मैं श्री भागवत जी में नमन करता हुआ व्यास परमात्मा शास्त्र जी को वंदन करता हूँ और सभी यहाँ पर मातृशक्ति और भक्तजनों का वंदन अभिनंदन। अभी आप भक्ति रस का पान कर रहे थे, वो दाल भात में मूसर चंद एक कहावत होते हैं ना कि उस तरह मुझे खड़ा कर दिया है। मैं भी सुनकर कुछ ज्ञान भी ले रहा था, आनंद में अनुभव कर रहा था। ज्ञान ये ले रहा था कि वो एकादशी से पहले और एक क्या क्या नहीं करना चाहिए, और आनंद ले रहा था जो भक्ति रस के कीर्तन हो रहे थे। एक बात मैं कहना चाहूंगा इसी संदर्भ में, क्योंकि ये भक्ति का मंच है। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे भगवान, कभी तो तुम वृंदावन में रास रचाते हो, कभी वो हाथी को छड़ाते हो जब वो पुकारता है, कहीं द्रौपदी की चीर हरण हो रहा है वहां पहुंच जाते हो, समय समय पर जाने कहां कहां होते हो, मुझे इमरजेंसी महसूस हुई तो मैं कहां आपको पाऊं। तो बोले जहां मेरा संकीर्तन हो रहा हो वहां मैं मौजूद रहता हूं, वहां पे। तो यहां आज परम सद्देव भागवत जी के सानिध्य में आपको भगवान का संकीर्तन हो रहा है, उनका स्मरण हो रहा है। भगवान यहां मौजूद होंगे, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि यह उनका वचन है और आप सब रसास्वादन कर रहे हैं उसका, ईश्वर उसको देख रहा है, निश्चित आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका जीवन सुखमय समृद्धिशाली वैभवशाली हो। और इनके माध्यम से संस्कार जो मिलते हैं, जो हमारे शास्त्रों संस्कृति से चले आ रहे हैं, वो हम सब ग्रहण करेंगे, क्योंकि ऐसे आयोजन ही हमारे विरासत पर जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो आने वाली संततियों पर ट्रांसफर अपने आप होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। ऐसे आयोजन कराने वाले आयोजकों को आभार। इनको भागवताचार्य श्री शास्त्री जी का आभार। मुझको भी कराने का मन करता है, लेकिन बिनो हर कृपा में लह नहीं सकता। तो जब तक भागवत जी की